हेलो एवरीवन, आज हम लोग समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पीछे रिपब्लिकन बिल्डिंग में हैं। जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रिपब्लिकन बिल्डिंग है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ये हमारा जो इंडियन हॉस्टल है, इंडियन हॉस्टल से बिल्कुल 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और आज हम लोग जो बच्चे हमारे आए हैं, न्यू स्टूडेंट्स, उनको विजिट कराने के लिए लाए हैं। आज संडे है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग विजिट कराते हैं बच्चों को। तो ये मेन बिल्डिंग है, इसमें हमारा पैथोलॉजी का क्लास, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल एनाटॉमी और आपका मतलब छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइड सब्जेक्ट्स, उनकी क्लासेस इसमें लगती है, मेन रिपब्लिकन बिल्डिंग में। चलिए तो फिर आज हम लोग कैंपस विजिट करते हैं। ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग से यहाँ पे मेन एंट्रेंस है या बिल्डिंग के अंदर जाने का। ये मेन एंट्रेंस है इस बिल्डिंग में अंदर जाने का, और यहीं पे क्लासेस सारी लगती हैं। आज संडे है तो गेट क्लोज है, कॉलेज बंद है, इसलिए हम लोग दूसरे दिन इसको कवर करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है ये पूरे रिपब्लिकन बिल्डिंग का। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, और अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लगती हैं। जैसे आप वहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे जनरल सर्जरी की क्लासेस है। हम लोग थोड़ी आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट है। इसी के जस्ट बगल में न्यूरोलॉजिया है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पे न्यूरोलॉजिया बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो आगे वाला बिल्डिंग न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे आप ठीक सामने देखेंगे, वो वाला रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो सामने गेट दिख रही है। जैसा कि आपको कहा था, ये पूरा रिपब्लिकन कैंपस ही है, जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा कैंपस है और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये आपका जो ये फ्रंट गेट है, ये सर्जरी डिपार्टमेंट है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जनरल आपका एंडोस्कोपी, गॉल ब्लैडर, स्टोन ऑपरेशन, ये सारे इसी बिल्डिंग में होते हैं। और यहाँ पे क्लासेस भी जनरल सर्जरी की बच्चों की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से जो स्टार्ट होती है, तो यहीं पर लगती है। तो बेसिकली आपका रिपब्लिकन बिल्डिंग में जो ये हमारा कैंपस है, इसके अंदर में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस लगती हैं नॉर्मली, और फर्स्ट ईयर की क्लासेस मेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगती है। तो अब जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के बाद अब हम लोग चलते हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ। और आइए, ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंग, इन सब में क्लासेस होती हैं। इसमें इंटरनल मेडिसिन की क्लासेस हैं, वो आगे में आपका डर्मेटोलॉजी है, वो आगे वाली बिल्डिंग। और ये यहाँ पे दूसरा इंट्रेंस गेट है, ये मेन फ्रंट इंट्रेंस गेट है रिपब्लिकन बिल्डिंग का, और जिस साइड से हम लोग आए थे वो वाला बैक साइड का गेट। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे रेडियोलॉजी सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में चलता है। तो स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इसी बिल्डिंग में आकर के क्लासेस लेते हैं, और ये प्रैक्टिकल्स भी इसी के अंदर पेशेंट्स भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल और क्लासेस, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसी बिल्डिंग में क्लासेस होती हैं और यहीं पर पेशेंट्स हैं, तो प्रैक्टिकल भी इसी में हो जाता है। इसी के जस्ट बगल में ये वाला न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये
बेसिकली फोर्थ ईयर में क्लासेस होती है, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सब रिपब्लिकन के अंदर में। हम लोग ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, जो पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है। यहाँ पे पीडिया की क्लासेस लगती हैं बच्चों की सेकेंड ईयर से, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पीडियाट्रिक यहाँ पे होता है, तो पीडिया की क्लासेस यहाँ पे इसी बिल्डिंग में लगती है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप अंदर में देखते हैं, आइए अब आपको अंदर घुमाते हैं पीडिया डिपार्टमेंट। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बच्चों की क्लासेस भी लगती हैं और छोटे बच्चों का इलाज भी होता है। खवासी हॉस्पिटल में हम लोग उधर से एंट्री किए हैं, और ये सबसे पहले एंट्री करने के बाद आता है ये पीछे हमारे बर्न डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे बर्न से रिलेटेड जितने भी सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट यहीं पर होता है। और यही सीधा हम लोग अगर आगे चले जाएंगे तो आगे खवासी मेन इमरजेंसी हॉस्पिटल है। आइए आपको बिल्डिंग दिखाते हैं, ये बिल्डिंग है अपनी और यहाँ पर मेन एंट्री है। ये पूरा पूरा जो कैंपस है, ये पूरा कैंपस खवासी हॉस्पिटल का ही है। ये भी समर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। अभी हम लोग समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के खवासी हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए हैं। जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं सेवन्थ फ्लोर का बिल्डिंग है, ये काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, देख सकते हैं इसकी लंबाई वो पीछे तक है। तो ये सेवन्थ फ्लोर का काफ़ी बड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे 24/7 ये ओपन होता है। हमारे हॉस्टल में जो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं, वो अगर रात में बीमार हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, तो एम्बुलेंस यहीं से जाती है, और कोई इमरजेंसी हुआ उनके साथ में तो उनको यहीं पे लाया जाता है, यहीं पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। ये बेसिकली पूरा खवासी हॉस्पिटल है, और इसी में आपका सेवन्थ फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे, अलग अलग फ्लोर पे वो डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहीं पे आपकी क्लासेस लगती है। इंटरनल मेडिसिन की क्लासेस सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में लगती है।